सावधान। कहां गए थे? बाहर गया था सर। ये चोट कैसे लगी? कुछ गुंडों ने घेर लिया था सर। कारण? ये मैं नहीं बता सकता सर। ये मेरा हुक्म है। आपके हुक्म पर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं सर, मगर ये नहीं बता सकता कि मैं कहां गया था। ओ, मैं तुम्हें मिसाल बनाऊंगा विजय सिंह। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम टूट जाओगे, क्योंकि भारतीय सेना में हुक्म न मानने वालों के लिए कोई जगह नहीं, समझे? स्वामी। सर, 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 ये आप क्या कर रहे हैं सर? इसमें इसका कोई दोष नहीं है। मैंने इसे वचन दिया था सर, क्योंकि मेरी माँ जी से बहुत नफरत करती है। वो समझती है वो सब वादा खिलाफ होते हैं। सर, इसमें इसका कोई दोष नहीं है सर। जीसी विजय सिंह, सावधान, आराम से। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने इस लड़की को वचन दिया था?
कैसे बताता सर, पूरे आईएमए की इज्जत का सवाल था सर, और एक जेंटलमैन कैडेट के वचन का सवाल था सर। जी सी विजय सिंह, आधे घंटे में तुम मेरे घर पर रिपोर्ट करना, इन योर मुफ्तीज, ओके सर। सर, आराम से, आराम से। जी सी विजय सिंह, थैंक यू सर। इन्हें मिलिए, ये है हमारी बेगम। मैडम आओ बैठो। हेलो, आप बैठिए। गौर से देखो इन्हें, और हमेशा याद रखना, शादी उसी औरत से करना जो अच्छा खाना पकाना नहीं जानती हो, वरना खिला खिला के मेरी तरह तुम्हें दुम्बा बना देगी। और ये हैं जी सी विजय सिंह, मोहब्बत में बेबाक और जंग में निडर। और विजय ये भी याद रखना, जिस दिन इन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता है ना, उस दिन ये बच्चों की तरह रूठ कर अठवासी खटवासी लेकर अंगूठा चूस कर सो जाते हैं। अरे हाँ, कहाँ गई वो शमा? परवाना आया है। सामी। अरे सामी, आओ बेटी आओ। ऐसा करते हैं, आज शनिवार है, हफ्ते है, क्यों ना हम सब पिकनिक मनाने जाएं? क्या ख्याल है जी सी विजय सिंह? एज यू से सर। यहाँ क्यों रुक गए बेगम? आज 24 तारीख तो नहीं? हाँ है, क्यों? ओफो, आप तो फेल हो गई, रिटायर हो जाइए। 10 बार आपको कह चुका हूँ कि 24 तारीख आए तो मुझे याद दिलाइए, लेकिन आप तो भूल ही जाती हैं। लेकिन असगर साहब के यहाँ लंच के लिए जाना है। मैं तो भूल ही गई, वो तो गोली भर कर बैठा होगा। बिल्कुल हाँ, बच्चों आप जीप से उतर जाओ, बस उतर जाओ, उतर जाओ, बहस के लिए टाइम नहीं है, असगर साहब के यहाँ जाना है। हाँ, कम से कम वो पिकनिक की बास्केट तो थमा दो। हाँ, हाँ, मैं तो भूल ही गई। हाँ। यही तो अपना प्लान था। विजय बेटे, बाय, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय बाय। अच्छा हुआ मेजर साहब ने हमें तन्हा छोड़ दिया, अब सिर्फ हम और तुम। हम तुम अकेले कहाँ, ये देखो मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, चलो हम भी कुछ मांगते हैं। क्या मांगा? नहीं बताती। और तुमने? सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर। जानते हो, जब भी मैं विजय को देखती हूँ तो मुझे लगता है अगर हमारा बेटा होता बिल्कुल विजय के जैसा होता। बड़ा होनहार बच्चा है, मैं उसकी फाइल पढ़ चुका हूँ, उसके माता पिता दोनों गुजर चुके हैं, बाप फौज में था, 71 की जंग में मारा गया, वसीयत की थी कि विजय भी फौज में जाए। सुनिए, उसे कहिएगा जब भी उसे छुट्टी हो मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ जाया करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी आरजू अच्छी तरह समझता हूँ। ये घुमा रहा है, ये तो वही है यार। नहीं नहीं, वो नहीं। अरे यार मैं बोलता हूँ वही है यार। अभी मुरली, ये तो वही है यार, साला उस दिन बच के निकल गया था। अरे आज नहीं निकलेगा, आज मैं जाऊँ ना तेरे साथ। सामी तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ, वरना आज जो इसकी हालत होगी ना वो तुमसे देखी नहीं जाएगी। तुम क्यों हम दोनों के पीछे पड़े हो? सिंपल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसकी असलियत दिखाना चाहता हूँ। कहीं मेरी असलियत सामने लाते हुए तुम्हारी असलियत सामने ना जाए। अबे ओ बिन वर्दी के फौजी, जास्ती बात नहीं, समझ गया क्या? साला सिविलियन लड़की पटाता है, साला सारी फौजियों की लड़कियां मर गई क्या? Thank you.
बर्बाद करता है। इंस्पेक्टर पकड़ लो इस नीली कमीज वाले को। सावधान, हमारे लड़के की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश मत करना एसपी गौतम, वरना हम अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। हिफाजत का यह मतलब नहीं है मेजर खान कि तुम हमारे कानून की हदों को तोड़ते हुए अंदर ही घुसते चले आओ। कभी कभी आना पड़ता है क्योंकि आपने अख्तियार के नशे में बेइंसाफियों का अपना पेशा बना रखा है। आप पर चल रही सीबीआई इंक्वायरी के बारे में अखबार में पढ़ चुका हूं। अपनी वर्दी का नाजायज फायदा मत उठाओ। गलत फायदा तुम उठा रहे हो, मेरी वर्दी बेदाग है। जरा अपनी वर्दी पर नजर डालो, उन पर मेडल नहीं बेगुनाहों के खून के सबूत हैं। तुम पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर एक धब्बा हो, एक कलंक हो। नोटों के बंडल ने तुम्हारे धर्म और ईमान को खरीद लिया है। कातिल सीनातान बाजार में फिरते हैं और बेगुनाह जेल में एड़ियां रगड़ते रगड़ते मरते हैं। मरते वो भी हैं जिन्हें तुम मशीन गनों से छलनी करते हो। हाँ, लेकिन अपनों पर नहीं, दुश्मनों पर। जहां भी हमले की चिंगारी नजर आती है, हम उसे शोला बनने से पहले पांव तले रौंद डालते हैं। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जब भी पुलिस नाकाम हो जाती है, मिलिट्री को बुलाया जाता है अमन कायम करने के लिए। अमन कायम करने के लिए मिस्टर गौतम, अमन कायम करने के लिए मिस्टर गौतम, अमन कायम करने के लिए मिस्टर गौतम।